वेलकम बैक टू माई चैनल फ्यूचर कोचिंग सिटी पार्क। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 की मैथमेटिक्स 1.3। हम लोगों ने 1.2 और 1.1 कंप्लीट कर दी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो पहले वो जाके देखिए, उसके बाद फिर ये वाली देखिएगा। तो उसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसमें हम लोग को मल्टीप्लाई वाला दिया। पहले हम लोग सिर्फ प्लस माइनस कर रहे थे, पर इसमें अब मल्टीप्लाई आ गया। तो अगर किसी भी टर्म की हम किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन वही आ जाता है। इसमें भी वही साइन देखना, जैसे कि हम लोग प्लस इंटू करके आता है प्लस माइनस, तो ये प्लस होता है, तो इसमें भी वही है। अगर माइनस का 3 इंटू माइनस का 3 है तो वो प्लस का 9 आएगा। तो फिर उसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 है, 3 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3। तो वही जैसे मैंने भी बताया, 3 है इसकी, अगर हम मल्टीप्लाई माइनस 1 से करेंगे तो वो माइनस का 3 आएगा, क्योंकि एक ही अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे प्लस का 3 आ जाता है, पर यहाँ पर सिर्फ एक ही माइनस है तो वो माइनस का 3 हो गया। सेकंड है माइनस 1 इंटू 225, तो ये भी वही सेम वैसे ही आ गया 225। फिर ये माइनस 21 इंटू माइनस 30, तो अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर इन दोनों टर्म की मल्टीप्लाई कर देंगे 21 और 30 की, तो आंसर हमें 630 मिल जाएगा। और ऐसे ये सारे हो जाएंगे। डी वाला है माइनस 30 माइनस 316 इंटू माइनस 1, तो माइनस माइनस से प्लस हो गया, वन है तो वही सेम आंसर आ गया। माइनस 15 इंटू 0 इंटू माइनस 18 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे अगर किसी टर्म की हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो वही सेव। फिर है एफ वाला माइनस 12 इंटू माइनस 11 इंटू 10, तो पहले ये माइनस माइनस प्लस, तो पहले हम साइन देखेंगे तो यहाँ पे प्लस ही आएगा, फिर दूसरे के साथ आंसर आ जाएगा हमारा 320। फिर उसके बाद जी वाला 9 इंटू माइनस 3 इंटू माइनस 6, तो ये साइन पहले देखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, फिर ये 18 हो जाएगा, फिर 18 इंटू 6 162। फिर उसी के बाद है एच वाला, तो इसमें भी ऐसे ही ये देखिए कितने साइन है यहाँ पे 1 2 3, तो माइनस माइनस प्लस, पर और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पे आंसर हमारा माइनस में ही आएगा। तो पहले हम लोग साइन देखेंगे, इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18 इंटू 5 90, फिर इंटू 4 इज इक्वल टू माइनस 36 माइनस 360, तो माइनस का साइन रहेगा। उसके बाद आई वाला है माइनस 1 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 3 इंटू 4, इसमें तीन साइन दे रहे, तीनों माइनस माइनस के हैं, तो माइनस ही आएगा आंसर में, बाकी मल्टीप्लाई करके हमारा माइनस के 24 आ गया। फिर सेकंड क्वेश्चन है, इसमें हमें एलएचएस और आरएचएस प्रूफ करना है। तो ये एक ये टर्म दिया है और ये एक टर्म दिया है, लेफ्ट इस साइड वाला जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला, तो उसको हम लोग एलएचएस बोलते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। जो राइट साइड दिया होगा उसको हम लोग आरएचएस बोलते हैं, मीन्स राइट हैंड साइड। तो यही हम लोग किधर दिया है 18 इंटू 7 प्लस माइनस 3, तो पहले एक वो होता है रूल, बॉड मास, BODMAS, बी मतलब ब्रैकेट, ओ मतलब ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लिकेशन, एस ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। तो पहले हम इसमें क्या करेंगे, एम पहले आ रहा है तो मींस मल्टीप्लिकेशन पहले आ रहा है, तो मल्टीप्लाई हम लोग इधर पहले कर लेंगे, पर इधर हम लोग ये ब्रैकेट में अलग दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग पहले मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले हम लोग ये वाला टर्म सॉल्व कर लेंगे, तो वो आ जाएगा 4, क्योंकि प्लस माइनस 7 माइनस 3 4 होता है, तो फिर 18 इंटू 4, इससे क्वेश्चन आसान हो गया। फिर वैसे इधर का सॉल्व करके इधर भी 72 आ गया, उधर भी 72 आ गया, तो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। इसका बी पार्ट भी ए पार्ट जैसे ही होगा, जैसे माइनस 21
ब्रैकेट में माइनस फोर प्लस माइनस का सिक्स, पहले अंदर वाला टर्म को सॉल्व कर देंगे, फिर जो आएगा उसके हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 210। फिर दूसरी साइड सॉल्व करके राइट हैंड साइड भी हमें मिल जाएगा सॉल्व करके 210। तो उसके बाद ये प्रूफ हो जाएगा LHS इज इक्वल टू RHS। फिर थर्ड क्वेश्चन है -1 × (a) = -a, वेयर a इज एन इंटीजर। अगर भी किसी भी माइनस टर्म से किसी पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर माइनस में ही आएगा, तभी ये हम लोग को -1 × (a) = -a मिल गया, वेयर a कोई इंटीजर है। तो उसी का सेकंड का a है -1 × -22। माइनस माइनस प्लस तो साइन चला गया और 1 × 22 = 22। वैसा ही बी पार्ट है तो ये आ गया -37, क्योंकि अगर यहाँ पे माइनस लगा होता तो यहाँ पे प्लस का 37 आता, पर कोई साइन नहीं है तो माइनस का 37। फिर अगर किसी भी टर्म की अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करें भले वो प्लस हो या माइनस में, उसका आंसर ऑलवेज ज़ीरो आता है। अगर जैसे यहाँ पे 1 × 0 लिखा था तो वो भी ज़ीरो ही आता, और कभी माइनस ज़ीरो नहीं आ सकता। जैसे कि ये -1 × 0 लिखा है, कुछ बच्चे ऐसा करेंगे कि यहाँ पे माइनस का ज़ीरो लिख देंगे, पर नहीं, दिस इज़ रॉन्ग, यहाँ पे ज़ीरो ही आएगा, वो कोई प्लस या माइनस में नहीं होता है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें सबकी 1 से मल्टीप्लाई करी थी, यहाँ पर माइनस का 5 आ गया, माइनस का 3 आ गया, माइनस का 1 आ गया और इधर 1 आ गया, फिर इसी साइड माइनस का 4 माइनस का 2 और ये 0 आ गया पूरा टर्म। थस वी कैन कंक्लूड दैट दिस पैटर्न शोज अ प्रोडक्ट ऑफ 1 नेगेटिव इंटीजर एंड 1 पॉजिटिव इंटीजर। इज अ नेगेटिव इंटीजर वेयर द प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो पैटर्न शो कर रहा है ये प्रोडक्ट होगा एक 1 नेगेटिव इंटीजर का, मतलब एक नेगेटिव इंटीजर का और एक पॉजिटिव इंटीजर के साथ, और उसका आंसर हम लोग को नेगेटिव मिल रहा है। और फिर उसी दूसरी साइड अ प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स, टू अगर किसी भी 2 नेगेटिव इंटीजर जैसे -1 × -1 तो ये पॉजिटिव में आ रहा है, तो भाई वो दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, तो इसको भी इवेल्युएट करके हमारा 480 आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लग गई है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिससे ये दोनों कट गए और फिर ये दोनों ऐड होके मल्टीप्लाई करके 480 आंसर आ गया। फिर वही उसी का बी पार्ट है 8 × (53) − (125)। तो ये भी ऐसे इसकी इसमें कम्युनिकेटर प्रॉपर्टी लग के इसका आंसर ये आ गया, ये है माइनस का 53000। फिर इसी का सी पार्ट है कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी लगी है इसमें, जो है इसमें हमने फर्स्ट वाले टर्म को हटा देंगे साइड के देंगे, बाकी जो माइनस के टर्म बचेंगे जो सेम साइन वाले होंगे उनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारा 1000 आ गया माइनस का। फिर उसमें हमें 15 × करके तो हमारा ये माइनस का 15000 आ गया। तो डी वाला है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो इसमें जैसे कि 102 लिखा है तो इसको हम लोग 100 + 2 भी लिख सकते हैं, जैसे कि और इसको जैसे कि अगर यहाँ पे 400 दिया होता, जैसे कि 402 दिया होता तो इसको हम लोग 400 + 2 करके लिख सकते हैं। अगर 99 दिया होता इसको हम लोग 90 + 89 करके लिख सकते थे, तो इसका अलग हो जाएगा, इसका अलग हो जाएगा, ऐसे नंबर से करते हैं जिससे ईजिली हमारा सॉल्व हो जाए। तो ये ऐसे दिया है, फिर ये इसके अंदर मल्टीप्लाई होगी, इसके साथ मल्टीप्लाई होके बीच का साइन वही रहेगा, तो हमारा आंसर ईजिली आ जाएगा माइनस का 14182।
फिर ई वाला पार्ट है जिसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगी हुई है, 625 इंटू माइनस का 35 प्लस माइनस, तो ये ऐसा हो जाएगा 625 माइनस ये इंटू रहेगा 35 प्लस माइनस मतलब माइनस 625 इंटू 65। तो वैसे ये सॉल्व होके हमारा पूरा ये पूरा 100 आ जाएगा, ये अलग ही रहेगा, फिर इसके इसकी मल्टीप्लाई करके माइनस का 62500 आ गया। सेवन्थ वाले में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगी है, इसको भी हमने इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी, तो 7 × 50 जो यहाँ पे साइन रहेगा वही रहेगा, तो माइनस का 7 × 2 7 × 5 = 35 100 माइनस का 7 यहाँ पे 14 7 × 14 फिर इसको माइनस करके 3 × 6 आ गया। जी वाला पार्ट है माइनस का 17 × −29 तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस का 30 + 1, तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस का 29 ही आएगा, प्लस लगा है पर यहाँ पे तो पहले माइनस लगा तो माइनस प्लस डिफरेंस आएगा तो यहाँ पे माइनस रहेगा, तो 30 − 1 − 29 तो भाई इसको सॉल्व करके 493 आ गया। उसी का एच वाला है माइनस 557 × −19 + 57 तो ये ऐसे माइनस का 57 × −19 + 57 तो पहले हम इनके इनको इसका साइन देखेंगे, तो अगर यहाँ पे प्लस का आएगा तो इसकी मल्टीप्लाई करके हमारे प्लस में जो भी नंबर आएगा उसमें हम लोग 57 ऐड कर देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा 1140। फिर सिक्स क्वेश्चन है गिवन प्रेजेंट रूम टेम्परेचर 40 °C डिक्रीजिंग द टेम्परेचर एवरी आर, तो वो है 5 °C रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 hours, तो इसकी प्लस टेन एक्स और फिर ये मल्टीप्लाई में माइनस का 5 °C, क्योंकि एवरी आर हर घंटे 5 °C कम हो रहा है, तो यही करते करते हमारा आ जाएगा माइनस का 10। यहाँ पे हम सॉल्व करके माइनस का 10 °C 10 घंटे बाद इसका टेम्परेचर होगा, तो हम लास्ट में 9 लिख देंगे, थस रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 hours इज -10 आफ्टर द प्रोसेस बिगिंस, मतलब रूम टेम्परेचर 10 घंटे बाद माइनस का 10 °C आएगा जब से प्रोसेस शुरू होने के बाद। तो सेवन्थ क्वेश्चन है मोहन गेट्स मार्क्स फॉर 4 करेक्ट आंसर क्वेश्चंस 4 × 5, तो ये इसने 4 × 5 मतलब 24 इसने करेक्ट क्वेश्चन के आंसर दिए जो कि थे 5 marks के, तो वो हो गया हमारा मिला के टोटल 20। फिर है उसी का ही गेट्स मार्क्स फॉर 6 incorrect questions इज इक्वल टू 6 × −2 = −12, तो उसको 6 incorrect answer के मार्क्स मिले हैं 6 × −2 विच इज −12, फिर देयरफॉर टोटल स्कोर ऑफ मोहन इज, पहले बार जो हम लोग को 4 × 5 मिला था मींस 5 तो हम लोग को ऊपर जो 20 मिला था और इसमें से हम लोग −12 करेंगे तो ये आ गया 8, जिसके हमें टोटल मार्क्स मिल गए मोहन के। फिर लास्ट में लाइन लिख देंगे थस मोहन गेट्स 8 marks इन क्लास टेस्ट। फिर उसी का सेकेंड पार्ट है रेशमा गेट मार्क्स फॉर 5 correct questions 5 × 5 विच इज 25, शी गेट मार्क्स फॉर 5 incorrect questions 5 × −2 विच इज −10, तो उसके भी टोटल मार्क्स निकाल लेंगे, इन दोनों वैल्यू को हम लोग प्लस करेंगे
तो मतलब ये माइनस ही हो जाएंगे क्योंकि प्लस करेंगे पर प्लस माइनस माइनस है तो माइनस का 10 विच इज 15। तो रेशमा को 15 मार्क्स मिले हैं क्लास टेस्ट में। हीना गेट्स मार्क्स फॉर टू इनकरेक्ट क्वेश्चन इज इक्वल टू 2 × 5 विच इज 10। फिर उसके बाद इनकरेक्ट के लिए उसको मिले हैं वही सेम मिले पर माइनस के 2 मिले हैं, मतलब नेगेटिव मार्किंग हो गई तो माइनस का 10। तो शी गॉट 0। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग को कितने मार्क्स मिलते हैं मैथ्स के टेस्ट में। फिर 8th क्वेश्चन है हमारा, गिवन प्रॉफिट ऑफ 1 bag ऑफ वाइट सीमेंट इज इक्वल टू ₹8 एंड लॉस ऑफ 1 bag ऑफ ग्रे सीमेंट इज ₹5। प्रॉफिट ऑफ सेलिंग 3000 bags ऑफ वाइट सीमेंट इज इक्वल टू 3000 × 8। अगर यहाँ पे 9 दिया होता सपोज तो ये 3000 × 9 हो जाता, जो कि हमें यहाँ पे 8 दिया है तो यहाँ पे हम 8 कर देंगे तो वो हो जाएगी हमारी वैल्यू 24000। 24000 उसको वाइट सीमेंट बैग बेच के प्रॉफिट हुआ है। लॉस ऑफ सेलिंग 5000 bags ऑफ ग्रे सीमेंट, जिसको ग्रे सीमेंट का जो लॉस हुआ है वो है 5000 × 5 विच इज़ 25। तो उसको 25000 का लॉस हुआ है। सेंस प्रॉफिट इज ग्रेटर, प्रॉफिट इज लेस देन लॉस, देयरफॉर हिज टोटल लॉस ऑन सेलिंग द ग्रे सीमेंट बैग इज इक्वल टू लॉस माइनस प्रॉफिट। तो उसको ₹1000 का लॉस हुआ है आफ्टर माइनसिंग bigger value from lower value, thus he got lost of ₹1000 on selling the grey bag cement। तो लास्ट में ये लाइन जरूर लिखना होती है कि हमारा आंसर क्या आया है। तो उसी का बी पार्ट है, लेट द नंबर ऑफ बैग ऑफ वाइट सीमेंट बी एक्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लॉस इज इक्वल टू प्रॉफिट। फिर 5 × तो ये हमने जो ऊपर था वही आ गया, उसी का सेकंड पार्ट है। तो ये 5 × 6400 इज इक्वल टू x × 8। तो ये 8 इधर नीचे आ जाएगा इसकी मल्टीप्लाई इसके डिवाइड में, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो इधर आके दूसरी साइड आके ये डिवाइड में हो गया। तो इसी से इसको काट के तो ये हमारा 5000 आ गया पूरा एक्स की वैल्यू। थस ही मस्ट सेल 4000 वाइट सीमेंट बैग्स टू हैव आदर प्रॉफिट नॉर लॉस। फिर है 9th का, इसमें है माइनस, इसमें वही इवेल्यूएट करके आंसर लाना है। तो यही आंसर हम ले आएंगे सारे, वही सेम है -3 × हमें ये जो डैश दी है ये वाली वैल्यूज निकालनी है। जैसे इन्होंने दिया है -3 ब्रैकेट लगा के, मतलब ये मिसिंग वर्ड्स हैं, इज इक्वल टू 27। तो हमें फाइंड करना है कि हम कैसे फाइंड करें। तो ये माइनस का है, इधर जाके क्या हो जाएगा बताइए। तो ये वाला टर्म इसके अपॉन में वैल्यू आ जाएगी, जैसे कि ये -3 है सपोज़ यहाँ पे, ये तो सॉल्यूशन है यहाँ पे, तो एक्स लेना होगा जैसे कि एक्स हो गया इज इक्वल टू 27 दिया है। तो ये वाली वैल्यू इधर नीचे आ जाएगी तो ऐसे हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाय -3। 3 × 9 = 27, तो यहाँ 9 आ गया, तभी यहाँ पे माइनस का 9 आ गया। वैसे ही उसका बी पार्ट भी ऐसे हो जाएगा, 5 के इधर इसके अपॉन में आ जाएगा तो ये 5 × 7 = 35, पर ये साइन यहाँ पे माइनस है तो वो माइनस का ही रहेगा। फिर उसी का सी है, सी में हम लोग को फर्स्ट वैल्यू निकालनी है तो अभी सेम ही रहेगा एक्स इज इक्वल टू -56 डिवाइडेड बाय -8। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो ये 8 × 7 = 56। तो भाई उसी का डी पार्ट है, एक्स इज इक्वल टू -3 13 अपॉन -12
तो इसको इसको डिवाइड करके 11 आ गया। दिस इज इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हुई। लाइक एंड शेयर टू आवर चैनल, और आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगे। कुछ समझ में ना आया हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।